कोई हंसाते हंसाते जब यूं खामोश हो जाए कि सब रोने लगे तो दिल में दर्द की जो हूक उठती है उसे कैसे बयां किया जाए। प्रदीप चौबे का जाना हंसी के हरे रंग का फीका हो जाना है। यूं तो प्रदीप चौबे को सर्वाधिक लोकप्रियता हास्य कवि के तौर पर मिली, लेकिन गजरे कहने में भी उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया था। उनके गजल संग्रह खुदा गायब है की भूमिका लिखते हुए गुलजार ने उनके शेरों को चमत्कृत करने वाला बताया है। उनका एक और गजल संग्रह बहुत प्यासा है पानी भी काफी चर्चित हुआ। प्रदीप जी अपनी लंबी हास्य कविताओं जैसे रेल यात्रा और शव यात्रा के जरिए कवि सम्मेलन के मंचों पर आए और तुरंत ही सुर्खियों में आ गए थे। शुरुआत में उनकी कविताओं पर उनके बड़े भाई शैल चतुर्वेदी की शैली का प्रभाव रहा, लेकिन बाद में अपने आल्पिन शीर्षक से माइक्रो हास्य कविताएं लिखने लगे थे। उनका मानना था कि चुटकुलों से विपरीत छोटी हास्य कविताएं अधिक प्रभाव डालती है। प्रदीप चौबे ने हास्य व्यंग की कहानियां भी लिखी जो उनकी पुस्तक हल्के फुल्के में संग्रहित है। बाप रे बाप उनकी व्यंग कविताओं का पहला संग्रह है। बाद में उनकी कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई। 26 अगस्त 1949 को चंद्रपुर महाराष्ट्र में जन्मे पुलिस अधिकारी के बेटे प्रदीप नौकरी के सिलसिले में ग्वालियर पहुंचे थे, फिर यहीं के होकर रह गए। ग्वालियर में उन्होंने संस्था आरंभ बनाई थी जिसमें वे देशभर से गजल और नई कविता के कवियों को बुलाकर उनकी कविताओं पर चर्चा करवाते थे। उनके संपादन में वैश्विक गजलों के 4 संकलन प्रकाशित हुए। 12 से अधिक देशों में वे कविता पाठ के लिए बुलाए गए। उनके हास्य को चकल्लस, काका हथरसी और टेपा जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। मधुमेह व उक्त रक्तचाप के बावजूद उनकी सहज हास्य वृत्ति आजीवन बनी रही। उनकी एक गजल का मतला है, हर तरफ गोलमाल है साहब, आपका क्या ख्याल है साहब, मौत आई तो जिंदगी ने कहा आपका ट्रंक कॉल है साहब। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।